दी, अपना सहयोग करा किसान आंदोलन ने, उन सारे ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। सारे किसान भाइयों ने गल उन किसान भाइयों ने किसान भाइयों की भी कौन भूलना जिनती अपना त्याग दिया, बलिदान दिया। 700 से ज़्यादा जो किसान शहीद हो गए आंदोलन में, उन सब का त्याग बलिदान साथ में पूरा जितने किसान भाई है योगदान दिया, सहयोग किया, उन सारे का साथ पूरा सम्मान। जितने भी 12 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन ने, इतने दिन डटे रहे और साथ में जब तक अपने तीन कड़ कानून वापस पूरे जब तक पूरा विश्वास नहीं हो जाए कि अपने ये काले कानून वापस हो गए, जो लगा पे ना डटे रहना है। जय जवान जय किसान, शहीद किसान अमर रहे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय ममता धनाना जी से, वो आए और सीमित समय में अपनी बात रखें और उसके बाद छोटी बहन रीमन नैन वो तैयार रहे। आदरणीय अध्यक्ष मंच, जितने भी मेरे दादे काके ताऊ, जितने मेरी माताएं बहने नौजवान साथी, सब ना जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो मैं गुरुपुरव की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज नानक जी का जन्मदिन है, उसके लिए सबको हाथ जोड़ के बधाइयाँ। और दूसरा, आज जो मोदी जी ने तीनों काले कानून उल्टे लेने का जो फैसला लिया है, उसके लिए मोदी साहब का धन्यवाद। एक बात इसलिए करती हूँ कि मोदी साहब ने बदला में मारा तो एक साल लग गया है, बदला में मारती भाईचारा दे दिया मैनू, मेरा पट गया भाईचारा। सबसे बड़ी चीज हो है तो भाईचारा खातर जिंदाबाद। इस फैसले ते आज यो फर्क भी पड़ा है कि जिस गांव में ते गवान ते 10 आदमी आ कर देना, जो ते 50-50 आदमी आ रहे हैं, जो अपने नुका कर देना साल भर हो गया रोड़ा पे बैठे हो, के में लगा के में लगा। आज उन भाइयों ने आज जोड़ के मतलब मोदी साहब का धन्यवाद कि इतने लोगों की भावना हमारा साथ जोड़ी और हमारा आंदोलन कामयाब रहा, हमारा संघर्ष कामयाब रहा। जितने भी मेरे किसान साथी थे, जिस 700 से ज़्यादा हमारी शहादत हुई, उनको भी मैं सत सत नमन करती हूँ। और जो ये मेरे दादे और ये मेरी दादी और ये जो मेरे नौजवान साथी जो गल्ला चल रहे थे ना, जो इतना लंबा संघर्ष हमारा इनकी देख रेख में चलिया, मैं हमारे दादा ने मेरी दादिया ने भी हाथ जोड़ के राम राम करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करो हूँ कि इन बिना मार पे कि मैं कौन था। माम तो फिर भी जवान है, लेकिन मेरा दादा और मारता आगे पाए 70-70-80-80 साल की उम्र में भी मारता आगे चले, उनका तय दिल से धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 36 बरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। एक बात और ध्यान रखनी है, यो मोदी है यो मोदी को नहीं, घूम चक्कर है, छोटी सी बात कह के उलझा देगा। ये बाप इन्हू कौन सोच सकते भाई, इसने बयान दे दिया तो यो काम अपना चल गया। जब तीन लिखित में मारती कानून और MSP नहीं मिल जा, और जो हमारे भाइया 70,000 कितने बताए उन पर केस हो रहे हैं, वे केस खारिज नहीं हो जा, और जब तक हमारी सारी मांग लिखित में नहीं मिल जा, जब तक किसी ने घर नहीं लौटना है, जड़े भी संयुक्त मोर्चा की कॉल होवे, जड़े भी मारती बुलाया जावे, त्यार रहना जो करीब थी डटे रहने नो डट के त्यार रहना है। जीत तो हमारी आधी तो नहीं, आधी के लगभग सारी होली, बाकी लिखित में चाहिए है, जीत पक्की है। जय जवान जय किसान, सासरीकाल। मैं हमारी अगली वक्ता हमारी छोटी बहन रिमन नैन को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और सूक्ष्म शब्दों में अपना विचार रखें। रिमन नैन जी, देश की इस गौरव गाथा को कोई गाने वाला चाहिए, टूटता है अहम और झुकती है सत्ता, बस झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। किसान एकता, किसान मजदूर एकता। सबसे पहले इस प्रकाश उत्सव पर थोड़ा सा प्रकाश करने वाला नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है, वो आप सभी के संघर्ष का एक परिणाम है, छोटा सा परिणाम है, ज्यादा बड़ा मत समझ लेना इसको। इन दिनों में, इन 12 महीनों में हमने जो भाईचारा कमाया है, उस भाईचारे को जोड़ के रखना अब हमारी जिम्मेदारी है, बना दिया है।
उसके बाद जितने भी हमारे किसान साथियों ने 700 से ज्यादा इस आंदोलन के अंदर शहादतें हुई है, उन शहादतों को नमन समय समय पर करते रहना है, हर दिन याद करना है। यदि आज हम अन्न खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं तो उन 700 किसानों की बदौलत, यदि आज हमारा जमीर जिंदा है तो उन 700 किसानों की बदौलत, यदि 5 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा किसी ने घर से निकाला था तो हमारे उन 700 किसानों ने जो इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर गई। भाई कुलदीप की बेटी यहाँ बैठी है और मेरी भाभी जी यहाँ बैठी है, उनके परिवार के साथ पूरी किसान सरदारी हमेशा खड़ी रही और इतनी संख्या में आज आप सभी ने पहुंचकर हिसार को ये बताया कि हम आपका परिवार हैं और किसी भी समय याद रखना हम हाजिर रहेंगे। तो यहाँ से आज कोई ना कोई कड़ा फैसला, मेरे ख्याल से जैसे ऊपर से बयान आया है तो नीचे वाले भी कुछ तो नरमाए होंगे, वो लेकर के इसका समझौता कर करके आज हो या कल जाना है इसको। बीच में जब हिसार का प्रशासन 16 मई के बाद 24 मई को आप लोगों ने झुकाया था और समय समय पर अपने जमीर को जिंदा रखिए, आंदोलन कल है परसों है, उसके बाद भी यदि कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मेरी नारी शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। एक गाड़ी है HR 12 3907 बैरिकेड से उस पार वो गाड़ी है, एक बार गाड़ी के पास जाएं भाई, जिसकी गाड़ी, एक ये चाबी है मंच के पास से, चाबी ले ले भाई। आंदोलनों में तन मन और धन की सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। कुछ दानवीर साथी हैं जिन्होंने हमारे साथी कुलदीप राणा के लिए कुछ दान किए हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। 500 रुपए रणधीर मलिकपुर से, 5100 रुपए बड़ा पाना कुंगड़ भिवानी से, 500 रुपए सुरेंद्र डाटा हिसार से, 1100 रुपए शमशेर सिंह खाप फोगाट प्रवक्ता चरखी दादरी से, 5000 रुपए बद्दोवल टोल कमेटी से, 1100 रुपए नाना सरपंच खांडा खेड़ी से, 11000 रुपए मदीना टोल कमेटी मैम से, 5100 रुपए ज्ञानीराम ठेकेदार हिसार से, 5100 रुपए छोटा पन्ना कुंगड़ हिसार से, 1100 रुपए कारद पानीपत से, 500 रुपए बलबीर फौजी कालीरमन, 500 रुपए चांदी राम गोयत कुंगड़ से, 5100 रुपए सतवीर सिंह ढुल जी, 5100 रुपए साधुराम सोरान खेड़ी चोपटा से, 500 रुपए करमवीर खरकड़ा जी। सभी दानवीर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा लंगर की जो सेवा आई है 3400 रुपए उमरा गांव से, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए साधु सोरान खेड़ी चोपटा से और 500 रुपए करमवीर खरकड़ा से। सभी दानवीर साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ हमारी अगली प्रवक्ता डॉक्टर सिक्किम नैन जी, वो आए और सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार रखें। सिक्किम नैन जी,